हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है मध्य प्रदेश रिवर्स, राइट। सो वी विल लुक इनटू द बेसिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, रिवर्स का फ्लो किस डायरेक्शन में है, राइट, उनका माउथ कहाँ है एंड ओरिजिन कहाँ है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ड्रेनेज सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो सबसे मेजर डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स का। सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद ईस्टर्न प्लेट्यू एंड बघेलखंड रीजन एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज द सतपुड़ा मैकाल रेंज। तो इन तीनों सिस्टम में रिवर्स का फ्लो इंडिपेंडेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। जैसे रिवर टोन्स की मैं बात करूं तो इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सोन इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, चंबल फ्रॉम द वेस्ट टू केन इन द ईस्ट अगेन फ्लोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। माही ड्रेनेज सिस्टम इज द इंडिविजुअल सिस्टम विच इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन वेस्ट एंड देन साउथ टूवर्ड्स द गल्फ ऑफ खंबात। ताप्ती रिवर सिस्टम एंड नर्मदा इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट, ताप्ती इज अगेन गोइंग डाउन। सो इम्पॉर्टेंट ये हमें समझना कि रिवर्स का जो फ्लो है वो स्लोप के अकॉर्डिंग है एंड स्लोप ऑफ मध्य प्रदेश इज फ्रॉम द सेंट्रल रीजन और द रिफ्ट वैली ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ द नर्मदा वैली टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो ऐसा स्लोप होने के कारण मैक्सिमम रिवर्स नॉर्थ की तरफ जाती हैं एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। ईस्टर्न सेक्शन इज द हाइएस्ट सेक्शन इंक्लूडिंग द महादेव हिल्स धूपगढ़, दैट इज द हाइएस्ट पीक एंड मैकाल रेंज, इसमें अमरकंटक प्लेट्यू भी लाया करता है एंड द सतपुड़ा रेंज। सो मेजर रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ, जिसको आप गोदावरी सिस्टम या वेन गंगा सिस्टम भी बोलते हैं, जिनकी ट्रिब्यूटरीज कन्हान रिवर, पेंच रिवर एट्सेट्रा आती हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक सब बेसिन्स, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द स्लोप दीज रिवर्स आर फ्लोइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कुछ सब बेसिन्स हैं जो मैं आपको दिखाने के लिए ये स्लाइड लगाई है, दैट इज टोन्स, धसान एंड केन, बेतवा, कुंवारी। ये सब बेसिन्स की हम बात कर रहे हैं, चंबल, माही, ताप्ती, राइट। सो फ्रॉम चंबल इन द वेस्ट टू सोन इन द ईस्ट, दिस इज गंगा यमुना बेसिन। ध्यान देने की बात है, दिस इज योर गंगा यमुना बेसिन, राइट। सो यमुना, टोन्स एंड सोन, ये डायरेक्टली ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन एट्सेट्रा। माही इंडिविजुअली फ्लोज अगेन टूवर्ड्स द वेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। नर्मदा भी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। ताप्ती अगेन फ्लोज थ्रू द वेस्ट थ्रू द रिफ्ट वैली। सो वेन गंगा का जो बेसिक फ्लो है डैट इज केन रिवर, सॉरी कन्हान रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी है पेंच रिवर एंड कन्हान एंड पेंच बोथ विल मीट वेन गंगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर वर्धा, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है, अगेन गोज टूवर्ड्स द वेन गंगा। सो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ द रिवर्स इन मध्य प्रदेश, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम, तो ये वी कैन सी द लिस्ट हियर, राइट। गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम विच इज सब डिवाइडेड इनटू यमुना, टोन्स एंड सोन। सेकंड इज नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, देन ताप्ती, देन गोदावरी, माही एंड महानदी। सो महानदी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही छोटा सा है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में आता है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड गंगा यमुना इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही रिवर्स के डायरेक्शन को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अगर हम मैकाल रेंज की बात करें, अमरकंटक प्लेट्यू की बात करें, तो वहाँ से ओरिजिन होने वाली रिवर्स हैं नर्मदा, सोन एंड जोहिला फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट एंड दे फ्लो लाइक दिस। सोन रिवर फ्लोज लाइक दिस, देन जोहिला मीट्स इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड देन नर्मदा फ्लोज लाइक दिस एंड टूवर्ड्स द वेस्ट, राइट। सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट। चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन, टोन्स एंड सोन वी कंसिडर इट एज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स। रेस्ट सोन एंड जोहिला एज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नर्मदा, ताप्ती, माही एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेन गंगा, पेंच, कन्हान, वर्धा एंड प्रणहिता, जो कि नाम हो जाता है आगे जाके, राइट। सो दीज आर द बेसिक साउथ फ्लोइंग रिवर्स। तो साउथ फ्लोइंग रिवर्स जो होंगी वो जाके मिलेंगी गोदावरी में, ये बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड वेस्ट फ्लोइंग तो आपको इंडिपेंडेंट रिवर्स पता ही है। तो मेजर नॉर्थ साइड में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, जो गैंगेटिक वैली से बनता है, उस गैंगेटिक रिवर में जाके सारी रिवर्स ऐसे मीट करेंगी। लेफ्ट फ्लोइंग इंडिपेंडेंट रिवर्स हैं ताप्ती, नर्मदा एंड माही, तो ये किसी से मीट नहीं करेंगी, इंडिविजुअली जाएंगी और गल्फ ऑफ खंबात एंड अरेबियन सी में जाके मिल जाएंगी। एंड साउथ फ्लोइंग सारी की सारी गोदावरी में जाएंगी, राइट। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगेन द फ्लो ऑफ द रिवर. सो सबसे पहले मैंने आपको मेजर ड्रेनेज बेसिन्स बता दिए, उसके बाद सब बेसिन्स बता दिए. 6 मेजर ड्रेनेज बेसिन्स हैं जिसमें से सबसे छोटा महानदी वाला सेक्शन है जो कि ईस्टर्न मैकाल रेंज में आता है. अब ये जो है रिवर्स हैं उनका डायरेक्शन है विच यू कैन सी, जैसे माही द सेम थिंग विच वी हैव सीन एंड नर्मदा, देन मुल्ताई बैतूल से तवा ओरिजिनेट हो रही है, देन पेंच कन्हान वर्धा वेन गंगा, दिस इज गोदावरी सिस्टम. अगेन वी कैन सी सोन टोन्स केन. सोनार रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सागर डिस्ट्रिक्ट, बेधर्मा एंड सोनार, देन केन, राइट, एंड केन बेतवा इंटरलिंकिंग के लिए भी ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क वाला भी रीजन आता है. देन बेतवा रिवर एंड देन सिंध रिवर, देन पार्वती रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, देन काली सिंध एंड देन बेसिक चंबल रिवर. इसी के साथ यहाँ पे चंबल में आपकी शिप्रा भी मिलेगी, राइट. सो दिस इज द बेसिक्स आउटलाइन सिस्टम. सो हम देख लेते हैं कि इन रिवर्स का ओरिजिन क्या है, माउथ क्या है, एंड जल्दी से हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट रिवर इज नर्मदा, जिसकी टोटल लेंथ मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती है जो कि 1312 किलोमीटर है. याद रखिएगा इस फैक्ट को. ये भी पूछा जाता है कि 1077 किलोमीटर इसकी लेंथ मध्य प्रदेश में है, राइट. सो दीज बोथ द फैक्ट्स आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द एग्जामिनेशंस. दूसरी बात, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी भी है ये, राइट, लेंथ वाइज, एंड फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया है. अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ तो दिस इज द रीजन बिलो द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. तो यहाँ पे थर्ड लॉन्गेस्ट हो जाती है एमपी में लॉन्गेस्ट, और ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो फिफ्थ लॉन्गेस्ट. ओरिजिन क्या है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न पार्ट विच इज शेयरिंग बॉर्डर विद द छत्तीसगढ़. तो वहाँ अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, और माउथ कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात में. सेकेंड रिवर है चंबल. चंबल 965 किलोमीटर लॉन्ग, इट मूव्स टूवर्ड्स द नदर्न डायरेक्शन. वी हैव सीन दैट इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी. मऊ तहसील इंदौर से वांचू पॉइंट या जनपाव हिल से ये ओरिजिनेट होती है. सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है. माउथ कहाँ है, यमुना रिवर में कहाँ मिलती है, नियर इटावा. सो इतना ही सिंपल फैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, यू जस्ट नीड टू पुट द करेक्ट ऑप्शन. सोन रिवर 780 किलोमीटर अराउंड है, जिसमें से 500 किलोमीटर के अराउंड वो मध्य प्रदेश में फ्लो करती है. ओरिजिन मैंने आपको पहले भी बताया, अमरकंटक से ही है. फर्स्ट इट एंटर्स इनटू द छत्तीसगढ़, देन अगेन एंटर्स इनटू अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ऑफ इट टर्न होके बाणसागर प्रोजेक्ट, एंड देन उसके बाद सीधी सिंगरौली होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री, एंड देन बिहार में एंट्री. सो बिहार में जाने के बाद गंगा रिवर में मिलने के लिए दानापुर इज द प्लेस जहाँ पे वो नियर पटना मीट करेगी इन गंगा रिवर. नेक्स्ट रिवर है ताप्ती. ताप्ती के बारे में मैंने आपको बताया था, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इंडिपेंडेंट रिवर है, उकई रिजर्वॉयर इस रिवर पे है. ताप्ती भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होगा. मुल्ताई इज द नेम ऑफ द प्लेस, एंड माउथ कहाँ पे होगा, गल्फ ऑफ खंबात जो कि वेस्ट साइड है यानी अरेबियन सी में. बेतवा रिवर, अगेन आपको पता चल गया, बेतवा रिवर की बात कर रहा हूँ तो गंगा यमुना बेसिन टूवर्ड्स दी नॉर्थ. 590 किलोमीटर जिसमें से 232 किलोमीटर एमपी में है. कुमरा गांव रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है. क्वेश्चन यही पूछा जाएगा बेतवा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो कुमरा गांव आपको एक ऑप्शन एग्जाम में दिख सकता है. मीटिंग पॉइंट नियर हमीरपुर, मीट्स इन यमुना. चलिए नेक्स्ट, शिप्रा रिवर 195 किलोमीटर, काकरी बर्ड हिल्स इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो मऊ तहसील फॉर द चंबल, राइट, जनपाव हिल्स, अगेन इंदौर डिस्ट्रिक्ट काकरी बर्ड हिल्स, शिप्रा का भी ओरिजिन है. और शिप्रा एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल की. चंबल फ्लोज लाइक दिस एंड शिप्रा यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लाइक काली सिंध एंड पार्वती. सो इट्स माउथ इज इन रिवर चंबल, तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, राइट. नेक्स्ट काली सिंध रिवर है 461 किलोमीटर्स लॉन्ग. बागली गांव देवास, देवास डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन हो रहा है. ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान रखना है, चाहे वो सिरोंज तहसील से सिंध रिवर का ओरिजिन हो, देवास से काली सिंध का हो, या बेतवा का, राइट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से. तो ये सारी रिवर्स का ओरिजिन ज़रूर आप याद रखिएगा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से नर्मदा का, सोन का एंड जोहिला का, राइट. माउथ अगेन चंबल है. कुमारी रिवर, राइट, विच इज़ अगेन अ ट्रिब्यूटरी, शिवपुरी रीजन में ये फ्लो करती है. आपने ध्यान से सुना होगा न्यूज़ में, कूनो नेशनल पार्क जहाँ चीता लाए गए हैं नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से, राइट. सो इन दैट रीजन कुमारी रिवर ऑल्सो फ्लोस शिवपुरी प्लेटू इन द नॉर्थ, राइट. आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में, विच इज़ ग्वालियर एंड चंबल बेल्ट. पार्वती रिवर अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल. आष्टा सीहोर से ओरिजिन होता है एंड देन मीट्स चंबल इन राजस्थान.
सिंध रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोंज विदिशा जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला था वहां से ओरिजिन होके चंबल में इसका माउथ है। केन रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। याद रखिएगा रिवर वाटर केन से बेतवा में ट्रांसफर किया जा रहा है, बुंदेलखंड एक वाटर डेफिशियंट रीजन है। सो विंध्याचल रेंज इन द कटनी डिस्ट्रिक्ट वहां से इसका ओरिजिन होता है एंड इट मीट्स यमुना। माही रिवर, माही के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं कि इंडिपेंडेंट रिवर है, वेस्ट की तरफ जाती है, ये बहुत ही यूनिक है। धार डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है। सो ओरिजिन होने के बाद इट मूव्स नॉर्थवर्ड देन एंटर्स राजस्थान देन एंटर्स गुजरात एंड देन एंड्स इन गल्फ ऑफ खंबा। तो अगर आप बाय रोड जाते हैं गुजरात घूमने द्वारका साइड तो डेफिनेटली यू विल क्रॉस नियर वडोदरा रिवर, माही एंड साबरमती, राइट। सो धार डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन है। धार मतलब जहाँ पे बाघ केव्स भी हैं, तो ये आपको याद होगा। वेस्टर्न मोस्ट रीजन में मालवा रीजन का ये डिस्ट्रिक्ट आता है। सो गल्फ ऑफ खंबात में जाके एंड होती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एमपी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज वेनगंगा। वेनगंगा 570 किलोमीटर आपको पता है साउथ की तरफ जाएगी एंड गोदावरी से मीटिंग पॉइंट है। सो सिवनी से इसका ओरिजिन होता है। सो सिवनी से इट ओरिजिनेट्स लाइक दिस एंड देन मूव्स ईस्टवर्ड एंड देन मूव्स डाउनवर्ड। सो वेन गंगा इज मेक्स अ वेरी फर्टाइल पेन इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट एंड भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। सो वर्धा रिवर में इसका मीटिंग पॉइंट होता है। फाइनली इट इज कॉल्ड एज प्राणहिता। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। वर्धा का भी ओरिजिन हमारे एमपी से हो रहा है जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से वर्धन हिल टॉप से होता है और फाइनली इट मीट्स द वेन गंगा। सो इट इज लाइक दिस, वेन गंगा कम्स लाइक दिस। कन्हान, पेंच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कन्हान, सो इट मीट्स लाइक दिस। वर्धा ऑल्सो मीट्स लाइक दिस, फाइनली दे मीट इन टू गोदावरी। सो इन शॉर्ट मैंने आपको बेसिक आउटलाइन बता दी है हर रिवर का ओरिजिन क्या है। तवा रिवर रह गई वो भी देख लीजिए। तवा रिवर पचमढ़ी, नियर पचमढ़ी महादेव हिल्स अगर आप देखेंगे सतपुड़ा रेंज का, सो महादेव हिल्स आर लाइक दिस। सतपुड़ा रेंज इज लाइक दिस, द वेस्टर्न सतपुड़ाज एंड द ईस्टर्न सतपुड़ा। ईस्टर्न सतपुड़ा में महादेव और ग्वालीगढ़ हिल्स आता है। महादेव और ग्वालीगढ़ हिल्स के बाद यहाँ पे मैकाल रेंज आता है विच इज क्रेसेंट शेप। सो महादेव हिल्स की हाइएस्ट पीक है धूपगढ़, यहाँ से तवा रिवर ओरिजिनेट होकर नॉर्थ की तरफ जाती है और नर्मदा रिवर से मिलती है। ध्यान रखिएगा एक बात, तवा रिवर को ताप्ती से कन्फ्यूज मत करिएगा एग्जाम में, ना ही तावी नदी से कन्फ्यूज करिएगा। हो सकता है तावी पूछ ले एग्जाम में जो कि जम्मू पे है, जम्मू तावी ट्रेन एक्सप्रेस भी चलती है। याद रखिएगा तावी रिवर वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है इन द नॉर्थ। तो तावी, तवा, ताप्ती, इन तीनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा तो एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट ऑल द रिवर्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।